एमएस इलेक्ट्रिक में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लाया हूँ 26 एमएम का हैमर ड्रिल रिपेयरिंग वीडियो। सो चलिए दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं 26 एमएम का हैमर ड्रिल ये खोले हैं इसको, ये देखिए इसका फील्ड खराब है, पत्ती इधर से हम निकाल दिए थे इसको, और ये फील्ड इसको अभी निकाले, यहाँ से तार इसका ब्लास्ट किया हुआ है, देखिए इस तरह से तार इसका ब्लास्ट है। इसका जैक हम निकाल रहे हैं, दोनों का जैक जो है निकल जाएगा, फील्ड में जैक रहता है, ये जैक निकल गया है। अब ये बैरिंग इसका आर्मेचर का 609 नंबर बैरिंग रहता है, इसको लगाइए। इसका प्लेट लगाना ज़रूरी है, इसलिए वो बॉडी में टाइट रहता है। और उसका आगे का बैरिंग 607 नंबर, ये इसको हम बॉडी का इसको निकाल रहे हैं। इसका ओरिंग हैमरिंग इसका नहीं ले रहा है, इसमें इसका ओरिंग हमको, ये देखिए ये ओरिंग हम निकाल दिए, ये निकल रहा है, हाँ देखिए इस तरह से निकालना है। और इसको इसको फिर नया ओरिंग लगाना है, इस तरह से इसमें नया ओरिंग ये लगा दिए। और इसको देखिए पंप, इस तरह से पंप, ये हैमरिंग नहीं होता था इसमें, इसलिए इसको अब इसको इसमें ये आर्मेचर इसको अच्छा सा मूव करना है, डालना है, इसको डाल के इसका सेंटर प्लेट में इसको स्क्रू टाइट करना है, ताकि कार्बन स्क्रू बैरिंग जो है वो पकड़े रहे। इस तरह से स्क्रू इसमें टाइट करना है, पत्ती जो रहता है उस पत्ती के दबा के रखना है इसको। इसको इस तरह से टाइट करना है, जी हाँ दोस्तों। हमारा चैनल एमएस इलेक्ट्रिक पावर टूल में आप लोग का स्वागत है। इस तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे पास यूट्यूब में लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह से देखिए ये फ्री हो गया है, देखिए पिस्टन भी सही से खेल रहा था। इसको ये कम्यूटेटर में सेल्स पेपर मारने के बाद आपका फ्लाशिंग नहीं होगा और आपका कार्बन अच्छे चलेगा। ये फील्ड है 26 एमएम का, 226 का फील्ड कॉइल, इसमें इस तरह से इसको जैक को आराम से इसको लगाएं, इस तरह से इसको जैक को लगाना है, ये इसको फिर से अच्छा से बैठा दीजिए। और इसका दूसरा जैक भी इसमें फील्ड में पुराना वाला इसको निकाल रहे हैं, इसको फिर इसको इसमें ये कंप्लीट अच्छा से दबाए, इसको मूव कर, ये कंप्लीट हो गया है। इसको फिर इसको बॉडी में डाल के इसको जरा मैं वीडियो स्पीड कर दिया हूँ ताकि वक्त कम ले, और इस तरह से इसको डाल करके और टाइट कर दे, इसको टाइट कर दे। वीडियो में जरा स्पीड कर दिया हूँ ताकि वक्त कम ले वीडियो देखने में, और इस तरह से ये ताकि फील्ड ना हिले इसको आराम से टाइट कर दीजिए।
ये सही। कंप्लीट हो गया है। इसको फील्ड गार्ड इसको अच्छा से डालें। और हाइड्रोलिक और ग्रीस को ओरिंग में पिस्टन में इसमें लगाएं तो आपका हैवरिंग आपका सही तरीका से हो। इस तरह से पिस्टन में भी लगाएं और हाइड्रोलिक में हाइड्रोलिक भी डालें उसमें ओरिंग में। देखिए इस तरह से डालना है। ये आपका पंप देखिए सही तरह से हो रहा है पंप। अब इसको अच्छा से बॉडी के अंदर इसको डाल दे। ग्रीस अच्छा से डाले बैरिंग में टाल बैरिंग में ऑयल ग्रीस। जी हाँ इस तरह से इसको आराम से बैठाएं। इसको इस तरह से इसको अच्छा से डाल दे। बैरिंग जो है 607 नंबर बैरिंग उसको रबड़ में अच्छा से डालें और इस तरह से इसका स्क्रू चारों स्क्रू इसको आराम से टाइट कर दे इस तरह से और चार टाइट कर दिए हमने इसको। चांद पत्ती इसमें इसको इस तरह से बैठाएं। चांद पत्ती को जरा से दिक्कत फील्ड के अंदर अच्छा से पुश करें दबाएं। हमने शॉर्ट वीडियो करने के लिए इसको जरा स्पीड कर दिए वीडियो को ताकि वक्त कम लगे। इस तरह से पत्ती को बैठा करके इसमें सिरस पेपर मार के ताकि लेफ्ट राइट इसको हाई कर देना है। इसको बैठा देना अच्छा से ये जैक आराम से इसको बैठा दे ये होल्डर को आराम से इस तरह से बैठाना है। इसको बैठा दे अच्छे से। देखिए दोनों स्प्रिंग को बीच में रख करके उसको पुश करना है। अब इसको कार्बन पर स्प्रिंग चढ़ा दीजिए इस तरह से। मूव करना इस तरह से मूव होना चाहिए ताकि लेफ्ट राइट चलने में आराम हो। इस तरह से इसको एक बार जरा सा इलेक्ट्रिक लाइन चेक कर ले जरा सा कंटिन्यूटी टेस्टर से। आप देखिए लाइन आ रहा है आपका अंदर का जो है सो कॉइल सही से बैठा है काम भी सही कर रहा है। इस तरह से आपको बैठाना है। इस तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को हमेशा लाइक और सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं। और मैं हमेशा इस तरह से वीडियो आपके बीच में लाता रहूँगा
किसी तरह से अगर कोई दिक्कत हो तो हमारे एमएस इलेक्ट्रिक पावर टूल में नंबर भी है, इस पर आप कॉल करके आप पूछ सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। तरह से इसको टाइट कर देना है, और कमेंट भी करें, किसी तरह से कोई कमी है तो कमेंट भी करें, ताकि इसको हम हमेशा सुधारने की कोशिश करेंगे, आप लोगों के बीच बने रहेंगे हमेशा। और ये आपका कंप्लीट हो गया है 26 mm ड्रिल, इसमें फील्ड कॉइल और हैम्बरिंग का प्रॉब्लम था, ये हमने सॉल्व कर दिया। देखिए इस तरह से आपका हैम्बरिंग, ये हैमर चालू हो गया है। देखिए आपका बैलेट सही हो गया है। अब इसमें मौत इस तरह से स्प्रिंग और पत्ती, और इसमें एक गोली रहता है, स्प्रिंग लगाएं, पत्ती लगाएं, गोली लगाकर इसको मौत को सेट, गोली लगा के मौत को सेट कर देना। इसको हम स्पीड कर दिए ताकि आपका समय बचे। इसको इस तरह से, इसका लॉक रहता है दो, एक नीचे का लॉक, एक ऊपर का लॉक, इसको अच्छे से लॉक कर दें ताकि बिट आसानी से फंस सके। बैठ गया है, ये एक और लॉक है, इसको इसको लगा करके ये मूव कर देना है। आपका मशीन 26 mm का हैमर ड्रिल आपका कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। हमारा वीडियो कैसा लगा प्रेस करें, तो ये आपका मशीन। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।